ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर की एक बोलेरो टैक्सी का चालक सुबह के समय प्रचंड हो गया। चालक ने शहर के कॉलेज चौक पर खूब हंगामा किया। बताया जा रहा है कि या तो चालक नशे में था या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, जिसके चलते उसने हैजी हरकत की। समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वे गाड़ियों की तोड़फोड़ करने पर उतर गया। इस हंगामे की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जाम भी लग गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर के तहत काम करने वाले एक बोलेरो टैक्सी के चालक का बुधवार सुबह को प्रचंड हो जाना सबके लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। चालक ने शहर के कॉलेज चौक पर खूब हंगामा किया। बताया जा रहा है या तो चालक नशे में था या फिर उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, जिसके चलते उसने ऐसी हरकत की है। नेशनल हाईवे के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके उसने वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों को भी रोकना शुरू कर दिया। समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वह गाड़ियों की तोड़फोड़ करने पर उतार हो गया। इस हंगामे की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जाम भी हो गया और सड़क के दोनों ओर काफी पीछे तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत से बोलेरो के ड्राइवर पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह आरटीओ ऑफिस की बोलेरो टैक्सी के ड्राइवर ने शहर के कॉलेज चौक में नेशनल हाईवे के बीचों बीच गाड़ी खड़ी कर दी थी। ड्राइवर का नाम पवन बताया जा रहा है। उसने वहां से गुजर रहे वाहन चालकों से भी उलझना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों और ऑटो रिक्शा ऑपरेटर के साथ ही पुलिस कर्मियों ने भी उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वह मारपीट और तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गया। इस पर लोगों ने उसकी जमकर दुनाई भी की, लेकिन बावजूद इसके उसकी हरकतें जारी रहीं। सूचना मिलते ही आरटीओ सिद्धार्थ आचार्य भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी ड्राइवर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कॉलेज चौक पर हुए इस हंगामे की वजह से जहां लोगों का जमघट लग गया, वहीं नेशनल हाईवे पर यातायात भी काफी समय बाधित रहा। मारना हुआ।